हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस सेशन में, जहां पर आज हम बात करेंगे एवेलर 2018 से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से या जो होने वाले एग्जाम है, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिससे इन क्वेश्चन से आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं और आज का शुरू करते हैं आज का सेशन बजट 2018। तो हम लोग आज का अपना बजट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ बजट्स, बजट के बारे में कुछ कि बजट कब क्या और कैसे है, क्योंकि किसी भी चीज को हम स्टार्ट करने से पहले अगर उसका हमें बेसिक्स पता होता है तो हमें उस टॉपिक को समझने में आसानी रहती है और थोड़ा मदद मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ बजट की या बजट के कुछ बेसिक्स चीजों की। तो भारत में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में सबसे पहला बजट 1860 को पेश किया गया था। जी, कब पेश किया गया था? 1860 को किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने इसको पेश किया था इस बजट को, और परंपरा अनुसार बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया था, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया गया है। बजट अब फर्स्ट फेब को प्रस्तुत किया जाता है। जी, अब बजट फर्स्ट फेब को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें से अभी देखा, जैसे आप सभी जानते होंगे, रेल बजट को पिछले पिछले साल से या लास्ट ईयर से फिर से इसी सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले 1921 में एक्टवर्थ कमेटी 1921 में एक्टवर्थ कमेटी ने रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की थी, और 1924 टू 1925 से रेल बजट अलग कर दिया गया था। अब देखते हैं आजादी के बाद का पहला बजट आर्केट सर्वनुकम सेट्टी ने प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया 10 बार। 10 बार को हम किस प्रकार समझेंगे? 8+2 यानी टोटल हो गया ये 10 बार। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया, सीधे 10 क्यों नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर इसको 2 अलग करके क्यों लिखा? क्योंकि ये जब सरकार, जैसे कोई सरकार बनती है तो 5-5 साल के लिए बनती है, तो जो सरकार का जो आखिरी साल होता है उसको, इस वजह से उसमें जो बजट पेश किया जाता है वो कुछ 3 या 4 महीने के लिए ही पेश किया जाता है, तो इसलिए ये 2 यूज किया गया है यहाँ पर। इसको आपको याद रखना है कि 2 क्यों लिखा गया। वैसे तो इस हिसाब से मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट बजट पेश किया हुआ है। बाकी आप सभी जानते होंगे एक फाइनेंशियल ईयर कब तक, कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। बजट वास्तव में बजट है क्या? बजट वास्तव में बजट सरकार द्वारा संसद से की गई अनुदान मांगों का एक समूह है कि हमको ये हमारी मांगे हैं, डिमांड है, इनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम उस चीज को बजट वास्तव में कहते हैं। क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज किया गया है? नहीं, बजट शब्द में संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर क्या लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। जी, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, और ये बजट किस अनुच्छेद के तहत आता है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 112। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इससे आता ही आता है, इसको आप बिल्कुल याद रखें कि बजट अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। हमारे अनुच्छेद 112 में आता है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, ये तो ये कुछ हो गई कुछ बेसिक्स ऑफ बजट, कुछ बजट के बारे में कुछ बेसिक बातें। चलिए अब आज देखते हैं इससे रिलेटेड जो बजट 2018 में पेश किया गया उसमें से भारत सरकार ने क्या नई योजनाएं लाई, और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनमें से क्या सुधार किए गए हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन आज के क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है ग्रीन गोल्ड संबंधित है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, बागवानी, हरित क्रांति, बांस और सब्जी। तो ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है? बांस से। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 1250 करोड़ इसके लिए बजट आवंटित किया गया है, 1250 करोड़। और इसमें क्या है, किसानों को बांस की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि बांस की खेती कैसे की जाती है। और जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि बांस को अभी कुछ दिन पहले ही पेड़ की श्रेणी से निकाल दिया गया। जी बिल्कुल, आप ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि किस पेड़ को या पौधे को या वृक्ष को पेड़ों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो बांस को। चलिए
देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एकलव्य योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो हम जान लेते हैं एकलव्य योजना आखिरकार क्या है। एकलव्य योजना नवोदय विद्यालय के तर्ज पर ही शुरू की गई है। ये ST यानी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए शुरू की गई है, जहां जिस ब्लॉक में 50% जनसंख्या ST है या 20,000 लोग उस ब्लॉक में ST हैं, वहां पर एकलव्य योजना शुरू की जाएगी। और ये बिल्कुल नवोदय विद्यालय की तरह ही एक योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? एकलव्य योजना शुरू की गई है शिक्षा के लिए। जी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? ठीक है, उज्ज्वला योजना को जानते हैं। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना है, इसमें से मुफ्त घरेलू महिलाओं को नाम से गैस कनेक्शंस दिए जाते थे। तो जहां पर पहले भारत सरकार का क्या लक्ष्य था? 4 करोड़, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 8 करोड़ कर दिया गया है। तो क्योंकि भारत इस समय वर्तमान की भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफी काम कर रही है, इसलिए अधिकतर योजनाएं उन्हीं के नाम से ही स्टार्ट हो रही है। इसलिए तो अब क्या है, उज्ज्वला उज्ज्वला योजना का नया लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? 8 करोड़। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए शुरू की गई योजना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उजाला, सौभाग्य, उज्ज्वला एंड राइज। तो देखते हैं इसका यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा। आधारभूत सुधार के लिए राइज योजना शुरू की गई है, और राइज का आप सभी को फुल फॉर्म बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ पर राइज का फुल फॉर्म होगा रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। और ये कब तक के लिए? ये 2022 कब तक के लिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। जी आप सभी को जैसे ही जानते होंगे उजाला योजना किससे संबंधित है? एलईडी एलईडी बल्ब से, सभी को एलईडी बल्ब बांटने हैं, उससे उजाला योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना, बिजली बिजली मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रोवाइड दिए जाएंगे सबको, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर हर घर योजना इसका दूसरा नाम है। उज्ज्वला योजना अभी हमने जाना क्या है, गैस कनेक्शन मुफ्त प्रोवाइड कराना। चलिए देखते हैं आगे, आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य है? यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। तो इस क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें क्या ऑप्शन थी। 10 करोड़ लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, 10 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख की चिकित्सा सहायता, 10 करोड़ लोगों के लिए 5 साल तक चिकित्सा सहायता, और 5 करोड़ परिवारों के लिए 5 साल तक चिकित्सा सहायता। जी बिल्कुल, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं राइट ऑप्शंस इसका क्या होगा। जी 10 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख चिकित्सा सहायता। जी आप इसको देखिए, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर ये 10 करोड़ लोग होगा। तो मैं बता दूं आपको, ये 10 करोड़ लोग नहीं है, ये 10 करोड़ परिवार है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग भारत सरकार ने कहा हम 50 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत कवर करेंगे। कितना? 50 करोड़। इसलिए भारत सरकार इसको बोल लेगी ये सबसे बड़ी योजना है पूरे विश्व की। तो ये देखिए, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको IMP कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टीबी को कब खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा गया? जी अब आप सोचेंगे टीबी को क्या यहाँ पर क्यों, क्योंकि अभी हाल ही जो इस साल बजट पेश किया गया उसमें टीबी को भी बात की गई। टीबी के लिए टीबी का मरीजों को जो है 500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाने की, उनके उपचार के दौरान दिए जाने की घोषणा की गई है, 500 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर देखते हैं कब तक खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक टीबी को खत्म कर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना रहा बजट के अनुसार? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इसको समझिए आप कि राजकोषीय घाटा आखिरकार होता क्या है, राजकोषीय घाटा आखिरकार होता क्या है जब हमारी इनकम कम हो और खर्च ज्यादा हो। जब हमारी इनकम कम हो और खर्च ज्यादा हो, जैसे हम कमाते हो 100 रुपए और खर्च कितना कर देते हो, 110 रुपए। तो इसको क्या कहेंगे,
साफ साफ दिख रहा है 10 रुपए का अंतर, यानी हमको घाटा हो रहा है। तो हम ये 10 रुपए कहाँ से पूरा करेंगे? ये 10 रुपए पूरा करने के लिए जरूर हम कहीं ना कहीं से ऋण लेंगे या उधार लेंगे। तो उसी को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, जो कि हर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसको जितने जल्दी से जल्दी इतने खत्म कर लिया जाए अच्छी बात है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना रहा बजट के अनुसार? तो देखिए यहाँ पर कितना रहा, 3.5% रहा, यानी 3.5% हमारा जो अभी चल रहा है बजट, जो सत्र या बजट वित्त वर्ष जो चल रहा है हमारा चालू वित्त वर्ष, उसमें राजकोषीय घाटा 3.5% रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 और 19 में, 2018 to 19 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? जी तो देखिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, ऐसा बोला है भारत सरकार ने कि 3.2% अगले साल के लिए हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। ठीक, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिए। ये स्टैटिक जीके का भाग होगा, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चंस बन ही सकता है, जो मैंने ये लगभग 24 से 25 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में, उसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी में ही या उसमें आते हैं उसमें। तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको देखिए और याद करिए, या लिख के याद करिए कैसे भी, या इमेज बना के अपने दिमाग में रखिए और इसको बिल्कुल याद रखिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन क्रमशः कितना कर दिया गया है? चलिए ठीक, कितना कर दिया गया देखते हैं। 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। तो अब सवाल उठता है कि इसके पहले कितना वेतन था? तो इसके पहले राष्ट्रपति को 1.5 लाख, उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख और राज्यपाल को 1.50 लाख वेतन मिलता था। बजट 2018 में सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के लिए भी सिफारिश की गई है, लेकिन अभी उसको संसद के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि उसको आगे भविष्य में देखा जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है जी, ये इसको प्रधानमंत्री, भारत प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बताई हुई है। ऑपरेशंस ग्रीन को बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बताई है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए आप लोग। तो ये ऑपरेशंस ग्रीन आखिरकार संबंधित किससे है? ये संबंधित है हमारी सब्जियों से, सब्जियों से। तो इसका ऑप्शंस आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा, टमाटर, प्याज और आलू से। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? टॉप इसको, यानी टी से टोमेटो और से ऑनियन, पी से पोटैटो जी। तो इसलिए इसको टॉप योजना भी कहा गया है। तो अगर आप कहीं कहीं पर अगर आपको टॉप योजना भी देखने को मिले, तो आप लोग सोचिएगा कि मत ये मत सोचिएगा कि ये क्या पूछ लिया या क्या आ गया, हमने तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। तो आप इसको याद रखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि टॉप योजना क्या है। आप याद रखिए सब्जियों से संबंधित है, खास करके टमाटर, प्याज और आलू से। इसमें क्या है? एमएसपी, एमएसपी के लिए ये शुरू किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए देखते हैं आगे। सीबीईसी का नया नाम क्या है? ठीक है, नया नाम क्या है, यानी पुराना, पहले तो जानते हैं पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, ये रहा इसका पुराना नाम। तो अब देखते हैं इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। इसका नया नाम कर दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, रक्षा बजट कितना रखा गया है? लाख करोड़ में। तो हमारा रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी का कौन सा जन्म दिवस मनाया जाएगा? जी भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही खास ध्यान दिया है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक, वो यानी पूरे एक साल तक महात्मा गांधी जन्म दिवस या जन्म मनाने का प्लान किया है। तो अभी कितने हो गए हैं देख लेते हैं, 150 150 साल हो गए हैं। इसको जन्म, कौन सा जन्म दिवस मनाया जाएगा? 150 150
दिवस मनाया जाएगा, याद रखिए आप लोग। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटकॉइन को भारत में लागू किया जाएगा या नहीं। आप लोग सुनते होंगे आजकल बहुत बिटकॉइन बहुत ही फेमस चीज है, बिटकॉइन आजकल चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से, सारी जगह छाया हुआ है बिटकॉइन। कोई देश कह रहा है हम इसको लागू करेंगे, कोई कोई बोलता है लागू नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये भारत में लागू किया जाएगा, तो ये यहाँ पर मेन सवाल यही है। तो इसको भारत में लागू नहीं किया जाएगा, भारत सरकार ने इसको लीगल टेंडर घोषित नहीं किया है। अब लीगल टेंडर क्या होता है, जो वर्तमान में हमारे देश में जो करेंसी चल रही है, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 का नोट, यही लीगल टेंडर है। इसके अलावा और इन्हीं को जो चालू जो वर्तमान में जो करेंसी चल रही है उसी को लीगल टेंडर कहा जाता है। तो बिटकॉइन कौन सी किस टाइप की करेंसी है, ये एक वर्चुअल करेंसी है, यानी इसका हम इसको कभी हाथ से छू कर नहीं दे सकते, ये सिर्फ वर्चुअल करेंसी है, सिर्फ नेट से ही इसका आदान प्रदान होता है, ये वहीं रहती है नेट में। आप बोल सकते हैं कि नेट नेट की करेंसी, इसको टच नहीं कर सकते हैं कभी, बस आपको दिखेगी। इसलिए भारत सरकार ने बिटकॉइन को भारत में लागू नहीं करने का फैसला लिया है। चलिए देखते हैं आगे, उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे और हेलीपैड बनाए जाएंगे क्रमशः, यानी ये योजना आप जानते होंगे, योजना पिछले साल ही शुरू कर दी गई थी, तो इसमें इसमें और थोड़ा अभी और सुधार किया गया, इसमें और बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कर रहा है, उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे और हेलीपैड बनाए जाएंगे, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। 56 हवाई अड्डे और 31 हेलीपैड बनाए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट कितना पेश किया गया, यानी कितना है देखते हैं, 1.48 लाख करोड़। चलिए अब रेल बजट आया है तो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसा कि पिछले साल से रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया है। और जब भी मैंने अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक्स ऑफ बजट में मैंने आपको बताया कि 1921 में एक्टवर्थ कमेटी ने रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया था, और ये कब से प्रभावी हो गया था 1924 to 25 में इसको प्रभावी कर दिया गया था, रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पारित किया जाता है। लेकिन अब इस साल पिछले साल से भारत सरकार ने क्या किया है, रेल बजट और सामान्य बजट को एक एक में ही मिला दिया है। और जैसा आप जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बजट को पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता था, अगर उस दिन कोई हॉलीडे या छुट्टी अगर नहीं होती है तो, लेकिन अब फरवरी के पहले फर्स्ट फर्स्ट तारीख 1 फेब को बजट पेश किया जाता है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए कि क्या क्या परिवर्तन अभी हाल ही में किए गए हैं, और इसका थोड़ा बेसिक्स भी आप याद रखिए। तो कितना बजट पेश किया गया, 1.48 लाख करोड़ रेल बजट रखा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना संबंधित है, प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना संबंधित है बीटेक छात्रों से जी। इसमें क्या किया जाएगा, आपके कुछ लगभग 1000 1000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा इसमें हायर एजु इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, जो जैसे IIT है, IISc है, इसमें से 1000 स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए और हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवर्धन का पूरा नाम क्या है, ये बहुत ही हाईलाइटेड योजना है, इसका ये नाम की वजह से भी काफी फेमस है, और ये कभी इन्वायरमेंट से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि क्योंकि सभी देश और भारत सरकार इन्वायरमेंट में काफी फोकस कर रही है। तो आप इसको देखिए कि इसका पूरा नाम, बिल्कुल इसका पूरा नाम आ सकता है, इसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, आप इसको याद रखिए, गोवर्धन योजना। इसमें क्या किया जाएगा, ये जैसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये मीथेन गैस है, मार्स गैस है, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप लोग जितना नेचुरल हो सके, जितना एनवायरनमेंट से जुड़ाव रख सके, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें। तो आप इसका फुल फॉर्म इसको याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा जी, बिल्कुल इसको आप याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो आप इसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 24, ये स्टैटिक जीके है, आप इसको याद रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। रेलवे यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो कहाँ खोली जाएगी, रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में खोली जाएगी, वडोदरा कहाँ, गुजरात, गुजरात में रेलवे यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। और यहाँ पर मेट्रो का भी काम चल रहा है, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से मेट्रो का काम चलाया जा रहा है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगी, अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए मेट्रो का सॉरी मेट्रो सॉरी 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 सॉरी
मैंने मेट्रो बोल दिया है, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। कितने करोड़ का सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनियों को 5% कारपोरेट टैक्स में छूट दी जाएगी? कितनी दी जाएगी, कितना कर दिया गया है? 250 करोड़। पहले ये कितना था? 50 करोड़। इसमें भारत सरकार ने क्या बोला है कि अब ज्यादा से ज्यादा लगभग 90% कंपनियां इसके तहत आ जाएंगी, हम इसको कवर अप कर लेंगे। ये योजना इसके लिए स्टार्ट की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम्स, ग्राम्स का पूरा नाम क्या है? ग्राम्स का पूरा नाम है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है। आप नाम से ही, फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है ये। इसमें से क्या है कि जो गांव क्षेत्र में अपने रूरल एरियाज में जो मार्केट्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस क्रम की इकोनॉमी बन गई है पूरी दुनिया में? यानी पूरी दुनिया में किस क्रम की हम हो गए हैं, किस क्रम इकोनॉमी में? तो हम लोग 7वीं इकोनॉमी में हो गए। और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने क्या कहा है कि हम बहुत ही जल्द हम 5वें नंबर पर आ जाएंगे। बहुत ही जल्द हम लोग 5वें नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा योजना में कितने रुपए बांटे गए हैं? चलिए ठीक, मुद्रा योजना में कितने रुपए बांटे गए हैं? 4.5 लाख करोड़। ठीक है, अब आप देखते हैं मुद्रा योजना क्या है। बेसिकली मुद्रा योजना अगर बात की जाए तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो इनसे जुड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना बेसिकली स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? न्यू दिल्ली से स्टार्ट की गई थी। और कब स्टार्ट की गई थी ये? हमारे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अप्रैल को स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? 5 अप्रैल 2015। बिल्कुल याद रखिए आप लोग डेट, डेट याद रखिए कब, 5 अप्रैल 2015 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ बजट 2018 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की डेट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल ध्यान लगाकर देखिए, देखिए, समझिए और इनको लिखिए, लिखिए, याद करिए, कैसे भी करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा जानकारी के लिए, आप क्वेश्चंस या क्वेश्चंस से अपडेट रहने के लिए, डेली क्वेश्चंस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।